होटल मैन्योर है, जहाँ पर अभी अभी विभिन्न रोटेरियंस की बैठक हुई है, बहुत ज़रूरी बैठक थी। और मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे हैं कि बरेली के रोटेरियन जो समाज सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, बहुत कीमती समय निकाल कर अपने प्रतिष्ठान बंद करके कोई छुट्टी लेकर आया है और बड़ी कार्य योजना इन्होंने बनाई है, रोटी अवेयरनेस, रोटरी की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम पोलियो और रूबेला वैक्सीन को लेके। क्या क्या हुआ है इस बैठक में, क्या होने वाला है, हम सब वो आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे आपको फर्क क्या पड़ने वाला है कि बरेली तो आएगा, उसके साथ में रुचि मलिक हेरिटेज। सर उनसे मेरी बात हुई थी, मैं उनका सिंधवन रुचि, वो आज टेक्निकल इंटरव्यू नहीं थी गए, तो वो बोले कि जो काम हो बता दीजिएगा, कि विल बी देयर ऑन 24th। विभिन्न क्लबों के रोटेरियंस हैं और विश्व पोलियो दिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम बरेली में करने जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स विभिन्न कॉलेजेस के हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा, आइए इस पर बात करते हैं। यहाँ पर बड़े रोटेरियन रवि मेहरा, डॉक्टर रवि मेहरा साहब से, आशीष जी से और अन्य क्लब के अन्य सदस्यों से भी। ये देखिए क्लबों के रोटेरियंस में दिखा रहा हूँ, इस बैठक में अभी अभी हिस्सा लिया है आप सबने और ये बड़ा कार्यक्रम अवेयरनेस का करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं रवि मेहरा जी से। सुभाष चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, कब से रोटेरी से जुड़े हुए हैं और क्या इसमें करने जा रहे हैं? 15 साल से मैं रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ और एक ये विश्व की ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, उसी सेवा के अंतर्गत हम लोग जो है इस रैली को निकाल रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको अवेयरनेस पैदा करेगी कि हम लोगों के यहाँ दोबारा से ये वायरस के वजह से पोलियो बच्चों के अंदर ना आए। व्हाट वी वांट देखिए, पोलियो ड्रॉप्स को हम लगातार पिलाते रहें जिससे एक भी बच्चा दोबारा से इस पोलियो वायरस से ग्रसित ना हो पाए। एक अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, P2 चला रहे थे, जैसे अभी क्या है कि इतने सारे जगहों पर आपका सर्वे हो गया, नालों तक के पानी का सर्वे हो गया, इसीलिए अब हम ट्राइवेलेंट से बाइवेलेंट वैक्सीन पर आ गए और IPV भी चल रही है, राइट? तो जब इतनी सारी चीजें हम चला रहे हैं तो हमें ये सब देखना पड़ेगा कि हम उन सवालों का भी जवाब दे पाए पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि हम पोलियो के ड्रॉप्स हम क्यों पिला रहे हैं, जवारा खत्म हो गया। हम इसलिए पिला रहे हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे और वो इम्यूनिटी हमें दोबारा से पोलियो वायरस से ग्रसित ना होने दे। बिकॉज कितना बिलियन ऑफ डॉलर हमारा खर्च हुआ है रोटरी का, आप सोचिए कितनी मैन पावर खर्च हुई है रोटरी की और साथ में सरकारों के, साथ में यूनिसेफ, साथ में WHO। क्या होने वाला है, कब होने वाला है? 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे है। रोटरी ने बहुत समय से बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे, मैन पावर खर्च करी और पोलियो को इस देश से भगा दिया और हमारा देश पोलियो फ्री हुआ 2011 में और पोलियो फ्री घोषित हो गया 2014 में। तब से एक भी पोलियो केस नहीं हुआ, लेकिन हमारे पड़ोस के देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो का वायरस मौजूद है, इसलिए हमें हर समय खतरा बना हुआ है। इसको ज़रूरत है इस समय हम सब अपने सब बच्चों को फिर से पोलियो ड्रॉप्स लगातार पिलाते रहें जिससे इम्यूनिटी बनी रहे और ये इम्यूनिटी हमारे देश को पोलियो से फ्री रखने में आगे भी सहायक होगी और कुछ दिनों में हम इस विश्व से पोलियो को भगा सकेंगे। ये हमारा रोटरी का सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए हमने उस दिन एक अवेयरनेस रैली 24 अक्टूबर को रखी है जिसमें हम अम्बेडकर पार्क से 9 बजे सुबह शुरू करेंगे इसको और ये समापन होगा इसका चौकी चौराहे पर। इसमें स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, हमारे रोटेरियन ब्रदर्स, उनकी एंस, उनके फैमिली मेंबर्स और हमारी एक गुजारिश है कि हम अपने शहर के सभी उन नागरिकों से जो इस पोलियो को इस देश से बाहर रखने में अपने अपना योगदान देना चाहते हैं वो उस दिन हमारी उस रैली में उपस्थित हों और हम सबका सहयोग करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और इस देश से पोलियो को हमेशा के लिए बाहर रखने में सहायता दें। बैठक हुई थी, क्या क्या हुआ है, कितने क्लबों के सदस्य आए हैं? इसमें बरेली के 25 रोटरी क्लब के सदस्यों ने भाग लिया है और सभी क्लब सदस्य अपने सदस्यों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसमें उपस्थित रहेंगे। ये हमारी 24 तारीख को विश्व पोलियो दिवस पर पोलियो अवेयरनेस रैली है जिसको हम चौकी चौराहे पर समाप्त करेंगे और इसमें एक अवेयरनेस रैली है जिसमें हम 26 तारीख से पोलियो के बाद मीजल्स और रुबेला का भी काम शुरू कर रहे हैं जो पहले MMR रहता था, इसमें 9 महीने से और 15 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा।
कांव कांव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।